नेता अगर कोई है इस प्रदेश में, इसीलिए हमारे माननीय जी योगी जी बोलते हैं लबड़ा नंबर वन जो दिल्ली में बैठा हुआ है नरेंद्र मोदी जी, और लबड़ा नंबर टू जो इस प्रदेश का जो रमन सिंह जो मुख्यमंत्री है, वो लगातार चुनावी में घोषणाएं कुछ करते हैं और बाद में अमल कुछ और करते हैं। ये सच्चाई है कि आज सभी चीजों की महंगाई काफी बढ़ चुकी है। आज 14,000-15,000 रुपए में घर परिवार चला पाना संभव नहीं है। बहुत ही तकलीफों का आप लोग को सामना करना पड़ता है, इस बात को हम लोग समझते हैं। आपकी मांग भी जायज है, इसीलिए आज हम लोग आपके बातों को समर्थन करने के लिए आए हैं। इसके पहले भी जब जब आंदोलन हुआ है, चाहे 2008 की बात हो, चाहे कभी भी आपके जहां जहां आंदोलन होते हैं, हम लोग चाहे जनता कांग्रेस हमेशा और योगी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने हमेशा समर्थन किया। इसके पहले भी एक मिसाल आप लोगों का, एक कार्यक्रम हुआ था सप्रे स्कूल में प्रदेश स्त्री, मैं वहां भी गया था, वहां मेरे हिसाब से कम 50-60 हजार लोग उपस्थित हुए थे, मेरे ख्याल से 2007-08 की बात है। ये सच्चाई है। योगी जी उस समय ही बोले थे अगर हमारी सरकार आएगी तो आपकी जितनी मांग है उसको हम लोग पूरा करेंगे। और मैंने आज माननीय जी योगी जी से मैंने बात भी किया फोन में, और मैंने उनसे निवेदन भी किया है कि इनकी मांग जायज है। योगी जी बोले कि बिल्कुल जायज है, हमारी सरकार आएगी, हो सकता है वो बहुत जल्द शायद प्रेस के माध्यम से किसी के माध्यम से आपके सभी मांगों को वो समर्थन देने वाले हैं। और ये भी सच्चाई है, अगर ये जिस दिन इस प्रदेश के शिक्षक जाग गए और वो अगर युवाओं को जला दिए तो बहुत जल्द ज्यादा दिन ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो झूठ बोलने वाले जो नेता हैं उनको बोरिया बिस्तर बांधने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं भी आपके इस क्षेत्र का गांव का निर्हाने उनारा का रहने वाला हूं, बेमेतरा विधानसभा का। लगातार हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, खास करके बेमेतरा जिले की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमेशा हर चीज में बेमेतरा जिला को उपेक्षा की गई है। मैं आपके मंच में आया हूं, लेकिन कुछ बात आप लोग को बताना चाहूंगा, क्योंकि आप शिक्षा देते, चार लोगों से बात करते, आप लोग शिक्षित लोग हैं, दूसरों को शिक्षा देने का काम करते हैं, इसलिए मैं कुछ बात बोलना चाह रहा हूं कि आज 3 दिन पहले आप लोगों ने पेपर के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिली होगी कि रेल लाइन आने वाली थी यहाँ बेमेतरा विधानसभा बेमेतरा होके वो कवर्धा जाने वाली। लेकिन बड़ा दुखद घटना है कि 3 दिन पहले एक अखबार के माध्यम से ये बात, एक रेल मंत्रालय की चिट्ठी आया है, उसमें ये बात लिखी गई है कि जो डोंगरगढ़ खैरागढ़ और बेमेतरा होते हुए जो रेल लाइन कवर्धा जा रही थी वो चेंज होकर खैरागढ़ से कवर्धा जा रही बेमेतरा। हर चीज में बेमेतरा की उपेक्षा की जाती है, कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे। आज